कोविड-19। इसका नाम 19 इसलिए पड़ा क्योंकि ये 19 में प्रकट हुई, लास्ट में। कुछ लोग कहते हैं ये चाइना से आई चाइनीज बीमारी है, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन जितना पैंडेमिक हम मुंबई के लोगों ने करीब से देखा, शायद ही किसी स्टेट ने देखा हो। हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे डेथ हुई, कैसे बच्चे मर रहे थे। आप जानते हो पहले पैंडेमिक में सब एल्डर्स गए थे, काफी सारे जो लोग मरे वो बुजुर्ग थे। लेकिन इस बार जो पैंडेमिक आया उसमें मोस्ट ऑफ यूथ था, यंग लोग थे जिनकी उम्र 40, 35, 30, 27 इस तरह थी। हमने अपने आसपास एक ऐसा डर देखा, जब मैं अपने घर से नीचे उतरता था तो मैं ऐसे माहौल को देखता था, लोग एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, एक दूसरे से डर रहे थे, हर एक के पॉकेट में सैनिटाइजर पड़ा है, मास्क पड़ा है, और पानी की बॉटल जो हम खरीदते थे हमारे पॉकेट्स में प्लास्टिक पड़ी रहती थी, वो प्लास्टिक से पकड़ के हम पानी पीते थे। हमें ऐसा लगता था कि हर जगह यही है कि अगर लाइट का खंबा है ना तो उसको भी टच कर लिया तो वहां से भी कोविड आ सकता है हमें, क्योंकि होल डे यही बातें, बाजू वाला मर गया, ऊपर वाला मर गया, बिल्डिंग का वॉचमैन मर गया, वो जो काम वाली मेड आती थी आया आती थी वो मर गई। आहिस्ते आहिस्ते इवन जिन लोगों के गोद में मैं खेला हूं, मैंने उन्हें जाते हुए देखा। एक अंकल है हमारे, उन्हें प्रॉब्लम हुई ब्रीथिंग की, कोविड था उन्हें भी, और जब हम उनके लिए बेड ढूंढ रहे थे, जब हमें बेड मिला तो उनकी डेथ हो गई। ऐसी कई वारदातें हुई हमारे बीच में, कई बातें हुई, और हमने एक चीज देखी, फियर, डर। और आप जानते हैं इस कोविड में हुआ क्या? इस कोविड में इंसान का सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं क्या हुआ? जो मरे वो तो चले गए, लेकिन जो जिंदा है ना उनके अंदर एक नेगेटिव फॉर्म पैदा हो गया, एक सोच जो है ना वो नकारात्मक हो गई। शैतान ने इस बात का बड़ा फायदा उठाया और उसने कुछ का मन इतना उल्टा कर दिया। आज भी आप देखिए, हम में से बहुत सारे जो लोग हैं, हो सकता है कि हम नकारात्मक हैं। मैं आशा करता हूं इस कलीसिया में कोई भी नकारात्मक ना हो, लेकिन कई बार आप देखिए परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी हम अपनी पुरानी दिशा में रहते हैं। मैं आज कुछ समय तक उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो बड़ी नकारात्मक सोच रखते हैं, जो हमेशा कुछ अच्छा होने वाला है वो नहीं लेकिन क्या बुरा हो सकता है उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। अब जानते हो कई बार शैतान आपके जिंदगी में होने वाली घटनाओं को लेकर आपके अंदर एक नेगेटिव माइंड फॉर्म करने की कोशिश करेगा। बचपन में एक बहन का शोषण हुआ, किसी व्यक्ति ने उसके साथ कुछ गलत किया, सालों तक उसने उस बात को छुपा के रखा। जब वो 18 साल की हुई तो वो नौकरी करने गई और उसके बॉस ने भी उसके साथ कुछ गलत किया। और जब उस लड़की की शादी हुई तो शादी के बाद उसके पति ने उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया, और उसने एक स्टडी की और स्टडी में क्या देखा कि मुझे जिंदगी में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला है। बाप बुरा मिला, बॉस बुरा मिला, पति भी बुरा मिला, सारी दुनिया की बुराइयां मेरे साथ ही हुई हैं। तब जानते हो उस बहन के अंदर एक बॉन्डेज बन गया, एक बंधन बन गया कि सारे जेंट्स ऐसे ही होते, सिर्फ फायदा उठाते, जबकि ये सच नहीं है, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन उस बहन के अंदर एक नेगेटिव फॉर्म पैदा हो गया। आप देखिए कई बार जब आपको कोई कुछ कहता है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका चरित्र बुरा है। हो सकता है उसकी जुबान स्लिप हुई हो सकता है कि वो कहां से फ्रस्ट्रेट होके वो आपको परेशान, वो अपनी परेशानी आप पे निकाल दी है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं,
हम एक इमेज बना लेते हैं अपने अंदर के, नहीं ये बंदा ठीक नहीं है। आज मैं आप में से हर एक से बात पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि शैतान कई बार हमारे जिंदगी में होने वाली चीजों को लेके हमें कितना नेगेटिव करने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए द प्रोवर्ब सेस, नीति वचन में लिखा गया है, तू सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। वहां पर यह नहीं लिखा गया है कि प्रार्थना करके मैं तेरे मन की रक्षा करूंगा। द बाइबल सेस प्रोटेक्ट योर माइंड। आप में से हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, चाहे आप एक नॉर्मल बिलीवर हैं, चाहे आप एक पास्टर हैं, चाहे आप एक प्रीचर हैं, आप में से हर व्यक्ति को ये खुद एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो लड़ाई है हर दिन कुछ चीजों को बुलाना। हो सकता है पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो आपका, किसी से आप प्यार करते थे, आपको लगा ये प्यार सच्चा है, लेकिन आप चीट हुए। हो सकता है आपकी एंगेजमेंट ब्रेक हुई, हो सकता है जो जॉब आपको मिलनी थी वो आपको जॉब नहीं मिली, हो सकता है कि आपने किसी से कुछ उम्मीद की, किसी ने इतना किसी की दिन रात सेवा की, लेकिन अब वो आपके साथ खड़े नहीं है। आप जानते, कई बार पास्ट में हुई बातों को हम इतना स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं कि हम बिल्कुल ब्लाइंड से हो जाते हैं। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि अगर नकारात्मक होने का अधिकार बाइबल में किसी के पास था तो वो यूसुफ था। क्या नहीं हुआ उसके साथ, हर जगह से धोखा खाया उसने, हर जगह से भाइयों ने बेच दिया, जहां पर काम किया वहां पर रेप का एलिगेशन लगा, फिर जेल में 12 साल। आप समझते हैं 12 साल जेल में रहना, इट्स अ लॉन्ग टाइम। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु इतनी लंबी सफरिंग, कभी आपने सोचा? दाऊद 13 साल तक अपने ससुर की वजह से जिंदगी बचा के कहां कहां भागता रहा। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने अनएक्सपेक्टेड थिंग्स देखी अपने लाइफ में, लेकिन वे कहां ना कहां अपने आप को थामे रहे। आप जानते हैं, जब यूसुफ के भाई यूसुफ से मिलने के लिए आए तो वो उन्हें ये नहीं कहता कि तुमने मेरे साथ जो किया वो मुझे याद है। जानते हो वो उनको क्या कहता है? तुमने नहीं, मुझे यहां पर परमेश्वर ने भेजा था। मुझे यहां पर लेके आने वाले तुम नहीं, परंतु परमेश्वर था। जिंदगी भारी हो जाती है, जिंदगी से आनंद निकल जाता है, पीस निकल जाता है, जब आप उन चीजों को होल्ड करते हो, पकड़ते हो। आई डोंट नो मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूं। इसे इंग्लिश में इस तरह कहते हैं कि किसी भी चीज को पकड़ लेना, यू नो, संदेश सुनना और जकड़ा रहना एक अलग बात होती है। संदेश को सुनना और संदेश से जकड़ के रखना एक अलग बात होती है। मैं सालों तक ऐसा विश्वासी रहा हूं जिसने कोई सर्विस मिस नहीं की होगी, लेकिन बहुत कम प्रचार होते थे जिनसे मैं जकड़ा हुआ रहता था। जैसे पॉल कहता है, मैं उस चीज को पकड़ने के लिए हूं जिस चीज के लिए खुदा ने मुझे पकड़ा था, और उसके बाद कहता है, मैं एक काम करता हूं ताकि मैं दौड़ सकूं, जो बातें हो गई हैं मैं उन्हें भूलकर आगे की ओर दौड़ता हूं। आप जानते हो, एक मैच्योर क्रिश्चियन की ये साइन होती है, वो हर दिन कुछ चीजों को अवॉइड करता है, वो हर दिन हर चीजों को छोड़ देता है। आपको क्या लगता है, क्या आप फ्यूचर में ऐसे लोगों से नहीं मिलोगे जो आपको हर्ट नहीं करेंगे? हाँ, क्या गारंटी है कि अगर आज जिस प्रॉब्लम को मैं फेस कर रहा हूं ये चली जाने के बाद मेरे पीछे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? जरा सोचें। परमेश्वर के एक जन ने कहा, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस, नॉट द सीरीज ऑफ चॉइसेस। जिंदगी हर दिन निर्णय लेके जी जाती है।
हर दिन। बाइबल की शुरुआत इस तरह हुई थी, खुदा ने चाहा कि आदम निर्णय ले कि वो फल नहीं खाएगा। मूसा जब इज़राइल को छोड़ रहा था तो उन्हें कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुन लो। आपको कुछ चीजें, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में शांति हो, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में प्रेम हो, न केवल संडे को सुबह सुबह लेकिन हर दिन, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज, जो हो गया उसे बुलाना सीखे। यह बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा, पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरी जाती, इससे मशकें फट जाती हैं। यह बहुत जरूरी है कि शैतान हमारे अंदर एक नेगेटिव फॉर्म पैदा ना करे। आप जानते हो, एली एक याजक था, लेकिन जब उसने हन्ना को दुआ करते देखा तो जानते हो उसने मन में क्या सोचा, ये शराब पी के आई है। लेकिन उस टाइम पे हन्ना अपने लाइफ का मोस्ट स्पिरिचुअल काम कर रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी। एक व्यक्ति क्या सोच रहा था और वो क्या कर रही थी, जरूरी नहीं है कि जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो और जो आप सोच रहे हो वो वैसा है। कुछ लोग सोचते हैं, ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मेरा दुश्मन है, ये मेरा एनिमी है, ये मुझसे अच्छा नहीं। आपको कैसे पता चला वो आपका दुश्मन है, आपने क्या सुना? नहीं पास्टर जी, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ बोलता रहता है। आप एक बार जाके उससे मिलो, आपको पता चलेगा कि जिस आदमी ने आपको इंफॉर्मेशन दी है ना, उसने आपको मिर्च मसाला डाल के बताया है, जबकि बातें ऐसी नहीं है। एक सच्चा मसीह आपसे कभी नफरत नहीं करेगा भाई, वो आपसे प्रेम करेगा। मैं चाहता हूं आप सभी अब एक काम करें, अपना हाथ पकड़े, ऐसे उठाएं, अपने सर पे रखें और मेरे पीछे कहिए, शैतान तेरे सारे बंधनों को जो तूने मेरे मन में बनाए हैं, मैं उसे यीशु के नाम से तोड़ देता हूं। आई ब्रेक इन जीसस नेम। मन को जकड़ने वाली आत्मा, यीशु के नाम में मेरे जीवन से चली जाए। मैं विश्वास करता हूं मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं, मेरे साथ बेहतर चीजें होंगी, परमेश्वर पहले से बढ़कर मुझसे भलाई करेंगे, अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। यह वह साल है जब मैं अपने पूरे परिवार को उद्धार पाते हुए देखूंगा, यीशु के नाम में। आमेन, यस, आमेन। याद रखिएगा, 2021 एक ऐसा साल है जब आप अपने पूरे परिवार का उद्धार देखेंगे। कितने लोग बिलीव करते हैं? शराब पीने वाले आपके पति आपको बाइबल सिखाएंगे, बिलीव करते हैं आप? एक बहन ने मुझे कहा था, ब्रदर मेरा पति शराब पीता है। मैंने कहा, एक दिन आत्मा पिएगा, आप बिलीव करें। आज वो पति पत्नी साथ में उपवास करते हैं। ब्रदर आप इतने कॉन्फिडेंस क्यों रहते हो उस चीज में कि परिवार बचेगा? क्योंकि ये प्रभु की मर्जी है। इट इज गॉड्स विल कि आपका परिवार बचे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पतरस लोगों को बपतिस्मा देता है, जानते हो किस वादे को वो पानी में करता है उनके साथ खड़े होके? 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और उन 3,000 लोगों के लिए उसने एक प्रतिज्ञा कही, परमेश्वर तुम्हारे वंश को पूर्व और पश्चिम से ले आएगा। वो परमेश्वर है। मैं जानते क्यों बिलीव करता हूं कि बुरे से बुरा व्यक्ति बदला जा सकता है? ये देखिए, इस बाइबल के 13 लेटर्स फ्रॉम रोमन्स टू टाइटस फिलिमोन उस व्यक्ति ने लिखे जो यीशु का विरोधी था। जब परमेश्वर उन्हें बदल सकता है तो हमें क्यों नहीं? जब खुदा उसे चेंज कर सकता है तो हमें क्यों नहीं?
जब भी आपको अपने परिवार को देख के कहे ना इनका उद्धार कैसे होगा, सदैव ये वचन याद रखें, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, वो एक सा है। जो 2021 साल पहले लोगों को बचाना जानता था वो 2021 में भी खुदा के लोगों को बचाना जानता है। That is our belief। और कभी भी शैतान आपको कहे ना मत प्रार्थना कर परिवार के लिए, हमेशा इस पैसेज को भी याद रखिएगा। जब फिरौन ने मूसा को कहा मैं तेरे लोगों को जाने नहीं दूंगा, औरतों को ले जा, लड़कों को ले जा, बच्चों को ले जा, मूसा एक ही बात पे ठहरा हुआ था, सब जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, सब जाएंगे, और सब गए। ये चित्र है हम विश्वासियों का जिनके परिवार को शैतान ने जकड़ के रखा है। बाइबल बताती है अपना हियाव न छोड़ो, उसका प्रतिफल बड़ा है। हमेशा खड़े रहे परिवार के लिए। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा खानदान, मैं आपको सच कहता हूं, द बिगेस्ट विश इन माई लाइफ कि प्रेमानीस सेव्ड हो। मेरी सरनेम प्रेमानी है, मैं हमेशा कहता हूं प्रभु प्रेमानीस सेव्ड हो, वो बचाए जाए, वो जाने। सोचिए क्या प्रिविलेज है कि हम पूरा कराना खुदा में। वाओ, अमेजिंग। एक बार परिवार बचे उसके बाद खुदा उठा भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमेशा स्टैंड रहें, आपके परिवार का उद्धार बहुत निकट आ चुका है, बहुत निकट आ चुका है। अब ये मत सोचो ब्रदर कैसे बहुत समझाया है। कितने लोगों ने ये सॉन्ग सुना है, हमारे मुंबई में थोड़ा अलग गाते हैं, यहाँ पर थोड़े इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं। ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा प्रभु की आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा। Come on, give a good clap for Jesus.